आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटहल भुना मसाले की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए बिना वीडियो को देरी करे स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं टेस्टी सी एक रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाले का पेस्ट रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर ले लिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे फ्रेश ग्रीन मिर्ची, अदरक और लहसुन ले लिया है। और इन सबको मैं एक जार में डाल दूँगी, सूखे मसाले भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा कटहल के लिए। इसे रखते हैं साइड। तो अब चलते हैं कटहल की तरफ। तो इसके लिए बॉइल्ड कटहल का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने कटहल ले लिया है और इस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कटहल आपको बेबी वाला लेना है जिसके बीज ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो क्योंकि इससे इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पे मैं आपको सीड दिखाती हूँ कि बहुत ही बेबी है, तो इस तरीके से आपको कटहल लेना है। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल इसमें ऐड कर दिया है और फिर थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। इसमें ज़्यादा खड़े मसाले ये सब नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज ऐड कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और प्याज को तेज फ्लेम पे भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो इससे क्या है कि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो 3 से 4 मिनट भुन जाने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। ये इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही टेस्टी आता है प्याज के साथ। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे भुन गए हैं। तो अब इसमें मैंने अपने मसाला ऐड कर दिया है जो हमने पेस्ट बनाया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मसाले के साथ ही, ताकि हमारा जो मसाला है और जो प्याज है वो अच्छे से भुन जाए। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम तब तक भुनेंगे जब तक हमारा जो मसाला है वो तेल ना छोड़ने लगे। तो इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही भुनते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट भुन जाने के बाद मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम अपने बॉइल्ड किए हुए कटहल ऐड कर देंगे। ये कटहल मैंने बॉइल किया था कुकर में, बस थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। 2 विसल मीडियम फ्लेम पे आने तक इसे बॉइल कर लेंगे और इसे छान लेंगे हम, और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इस मसाले में ऐड कर देंगे। तो क्या है कि हमारा कटहल तो पका ही हुआ है, तो बस इस मसाले के साथ अच्छे से बस हमें भुनना है। और इसे 5 से 7 मिनट लगते हैं भुनने में, और इसे भी हाई फ्लेम पे ही भुनते रहेंगे हम, ताकि हमारा जो कटहल है वो बहुत ही अच्छा कलर आ जाए उसमें, और इसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छे से अंदर तक मसाले इसके अंदर घुस जाए। तो इसे 5 से 7 मिनट लगते हैं, लगातार आपको चलाते रहना है। ये आपको बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे तो कटहल की रेसिपी बहुत तरीके से बनाई जाती है और कटहल हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, पर डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह के कटहल की सब्ज़ी पसंद करते हैं खाना। क्योंकि मेरे भाई को हमेशा इस तरीके की ही सब्ज़ी पसंद आती है कटहल की टिफ़िन के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, जिनके बच्चे कटहल नहीं खाते हैं और ये कटहल खिलाना भी होए तो किस तरीके से खिलाएँ। तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग चिकन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ये उसका अल्टरनेटिव है कि आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप चिकन खा रहे हैं कि कटहल की सब्ज़ी खा रहे हैं।
पाँच से सात मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए भूलते हुए इसको, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो बस इसे फिनिश करने के लिए मैं इसके ऊपर हरे धनिए की पत्तियाँ और कटे हुए मिर्च ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही देखने में यमी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे या चपाती के साथ। ये टिफ़िन रेसिपी है और इसे आप अपने डिनर में भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनको बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।